हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग जो है काउंसलिंग में आया सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल के काउंसलिंग में आया तो क्या नाम है बच्चा? ज्योति यादव। ज्योति कहाँ से? पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर। ये मंगल सराय से बच्चे हैं। कितना रैंक रहा आपका? ओबीसी में 5th रैंक था, 10वां रैंक था ऑल इंडिया रैंक, और आपको ओबीसी में जो है 5वां रैंक था इनका। तो कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं डिटेल में। इनका इंटरव्यू जो है मेरे चैनल पे कुछ दिन बाद अपलोड किया जाएगा, इनको स्टूडियो में बुलाया जाएगा। अभी छोटा सा जानकारी ले लेते हैं कि 2024 के लिए तैयारी करें उनके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे? मैं कहूँगी कि एनसीईआरटी पूरी अच्छी पढ़नी चाहिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी, और प्रीवियस पेपर्स वगैरह। जी हाँ, और मेरा कैसा सपोर्ट रहा है चैनल का, कुछ योगदान रहा आपके? हाँ, लेकिन सेल्फ स्टडी ज़्यादा था। सेल्फ स्टडी बच्ची बोल रही कि फोकस ज़्यादा करिए, अगर आप 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी अच्छे फॉर्म में कर लेते हैं तो चांसेस आपके मैक्सिमम हो जाते हैं। क्या अभी कुछ बोलना चाहेंगे आप? कैसा रहा बनारस आपका, मतलब टीचर्स स्कूल का कैसा रहा आपका? काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा रहा। क्या बनना चाहती हैं भविष्य में बच्चा? आई वॉन्ट टू UPSC। आई वॉन्ट टू बिकम IAS लाइक दैट, और मतलब UPSC की कैटेगरी में वो जाना चाहती हैं। ठीक है, मेरी तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। एक शॉर्ट फॉर्म में अगर जो बच्चे 2024 की तैयारी करें उनको कुछ बोलना चाहेंगे कि किस हिसाब से शॉर्ट फॉर्म में कोई कोटेशन देना चाहेंगे आप? हार्ड वर्क करिए, कंसिस्टेंट रहिए। और कुछ बोलना चाहेंगे अपनी तरफ से? किसी की बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, किसी की आपके जैसा ही रैंक को भी लाना चाहेंगे, किसी की 5वां रैंक ऑल इंडिया में थोड़ा सा। हाँ, मैं कहूँगी सेल्फ स्टडी और एनसीईआरटी रखें। देखो बच्चे, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, किसी की बिकॉज जब तक आप नहीं पढ़ोगे, इफ यू वांट CHS एडमिशन नॉट स्कूल मैटर, यू कैन इफ यू नॉट स्टडी सेल्फ स्टडी देन यू कैन नॉट डू इट। यू कैन स्पीक इन हिंदी, आई डोंट प्रॉब्लम। एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में कुछ बोलना चाहेंगे बच्चों के लिए, जो बच्चे आपको देख रहे हैं तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी बोलना चाहेंगे? ठीक है बच्चे, शर्मा रही, थोड़ा घबराई भी है, हालांकि बच्चे का एडमिशन हो गया तो इनको अग्रिम रूप से शुभकामनाएं। बाकी हम लोग इनका डिटेल में जब इंटरव्यू करेंगे तो समझूंगे। थैंक यू सो मच।